और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी और वाराणसी में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज लखनऊ में जनसभा करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक आतंकी के परिवार का एसपी से संबंध है। की ओर बढ़ जाएंगे, ये उनकी बौखलाहट को प्रदर्शित करता। जो व्यक्ति करहल में अपनी जमानत जब्त करवा रहा हो और उनके पिताजी स्वयं उनका नाम न जानते हो कि करहल से प्रत्याशी कौन है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी उस पार्टी के लिए दूसरी क्या हो सकती है। अंतिम सवाल है, जिस तरह से जो सीरियल ब्लास्ट वाला जो इशू हुआ उसमें जो सजा दी गई उसमें समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुए है, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ये भारत के राजनीतिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। ये एक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2013 में घोषित आतंकवादियों के मुकदमों को इसी अखिलेश यादव ने वापस लेने की शर्मनाक शरारत की थी और अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट में जिसमें 56 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसके दोषियों को फांसी की सजा दी है, आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें से कुछ लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश से जो आतंकवादी हैं उनमें से एक का संबंध, उनके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।